नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की जो एनसर की है उसके बारे में। 7 नवंबर जो फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट पारी में जो पेपर हुआ है उसके बारे में एनसर की एकदम सही सटीक एवं विश्वसनीय होगी। दोस्तों, निश्चित रहिए, समय लग सकता है लेकिन आपको भ्रमित गलत बताना हमारा उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं कि व्यूज़ के चक्कर में, ज़्यादा व्यू पहले आए इसके चक्कर में गलत बता देते हैं। दोस्तों, एकदम सही सटीक आंसर के लेकर आया हूँ, नोट आंसर रहिए, जो भी बताऊंगा एकदम सही आंसर ठीक बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर एक है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। तो दोस्तों, पहले नंबर में हो जाएगा आपके बी। दोस्तों, आराम से चर्चा बाद में कर लेंगे, किस प्रकार हुआ है उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा, हम लाइव चला देंगे कि किस प्रकार से हुआ है, लेकिन यहाँ पर समय लग रहा है इसलिए दोस्तों मैं आपको केवल उत्तर बता रहा हूँ, आप आंसर की मिला सकते हैं। जो प्रश्न देखना है उसको वीडियो को रोककर देख सकता है। क्वेश्चन नंबर एक में हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है। दो में हो जाएगा दोस्तों ए, क्या हो जाएगा दो में, दादी या नानी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात कर रहे हैं, हम केवल अभी रीजनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, जीके की मैं जस्ट 5 मिनट बाद में लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद में रीजनिंग का सवाल है हमारे 13 नंबर, कौन सा है, 13 नंबर में हो जाएगा दोस्तों ए, कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें 2 नंबर, ठीक है। 14 नंबर सवाल दोस्तों इसमें हो जाएगा आपके डी, न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ठीक है। 25 नंबर इसके बाद में हमारे दोस्तों रीजनिंग का सवाल है वो है 25 नंबर, तो दोस्तों 25 नंबर में हो जाएगा आपके डी, क्या हो जाएगा 25 में, डी हो जाएगा 15, ठीक है। 26 नंबर सवाल इसमें हो जाएगा आपके ए, 26 नंबर में क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है 26 नंबर में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग का हमारे सवाल है 37 नंबर, इसमें हो जाएगा हमारे बी हो जाएगा दोस्तों, केवल तर्क सेकंड मजबूत है, ठीक है। इसके बाद में 38 नंबर इसमें हो जाएगा दोस्तों आपके सी हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग का जो सवाल है वो देख लेते हैं 49 में दोस्तों इस प्रकार से हैं, 49 में हो जाएगा आपके सी, इसमें देख लिए सेब आम और फल, तो बीच वाले दोनों सेम हो गए और सेम आम हो गए और ये बीच चारों वाला हो गया फल, इसमें सी हो जाएगा दोस्तों। 50 नंबर सवाल इसमें हो जाएगा आपके बी, 50 में हो जाएगा आपके बी, केवल तर्क सेकंड मजबूत है, ठीक है। 50 में हो जाएगा आपके दोस्तों बी, ठीक है। उसके बाद में इस दिन का जो अगला सवाल है वो है 61 नंबर सवाल, इसमें हो जाएगा दोस्तों बी, बाघ तोता डॉल्फिन तीनों अलग अलग है तो इसमें तीनों अलग अलग हो जाएंगे, उसमें हो जाएगा बी, ठीक है। 62 नंबर सवाल देख लेते हैं, 62 नंबर में हो जाएगा दोस्तों आपके ए, ठीक है, 11, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, 73 नंबर सवाल है रीजनिंग का, 73 में हो जाएगा दोस्तों आपके ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बेसबॉल और फुटबॉल दोनों खेल हैं इसलिए ये खेल में आ गया, ठीक है, तो इसमें ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग का हमारे है 84, ठीक है। 84 में दोस्तों ये दर्पण वाली है तो इसमें हो जाएगा आपके सी, ये जो छाया जो बनती है इसमें हो जाएगा आपके सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद रीजनिंग का दोस्तों अगला सवाल है 95, ठीक है। 95 में दोस्तों जलीय आकृति है, जल में किस प्रकार दिखाई देती है, दोस्तों ये आपको दिख रहा है सी इधर आएगा तो सी जिसमें पहले आया है वही हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारे डी हो जाएगा 95 में, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद में अगला सवाल है हमारे रीजनिंग का 106 नंबर, 106 में हो जाएगा दोस्तों हमारे डी हो जाएगा, 106 में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 100 उसके बाद में हमारा अगला सवाल है 117 नंबर सवाल, 117 नंबर सवाल में हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा दक्षिण दिशा, ठीक है, 117 में हो जाएगा डी। इसके बाद में हमारा अगला सवाल है 128 नंबर सवाल, 128 नंबर सवाल में हो जाएगा दोस्तों ए, क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा, ठीक है। 139 नंबर नेक्स्ट सवाल है इस दिन का, वो है 139, इसमें हो जाएगा दोस्तों बी, क्या हो जाएगा, बी हो, सॉरी इसमें हो जाएगा आपके बी 7 हो जाएगा, ठीक है। 140 नंबर सवाल इसमें ही हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा फ्रांस, 141, 141 में हो जाएगा दोस्तों आपके ए हो जाएगा 42, ठीक है। 142 नंबर सवाल में हो जाएगा दोस्तों आपके सी भेड़, ठीक है। 143 नंबर सवाल इसमें हो जाएगा दोस्तों ए घटना ए प्रभाव है और घटना बी इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण है, ठीक है, इसमें ए हो जाएगा 143 में। 144 में हो जाएगा दोस्तों बी केवल धारणा सेकंड निहित है, ठीक है। 145 में हो जाएगा दोस्तों डी P12 है, ठीक है, इसमें डी हो जाएगा। 146 में हो जाएगा दोस्तों बी AFCK GQ RPW, ठीक है, इसमें बी हो जाएगा। 147 नंबर सवाल इसमें हो जाएगा डी पायलट, 148 नंबर इसमें हो जाएगा सी 17, 149 नंबर सवाल इसमें हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्रिएट क्या हो जाएगा, जो इसमें ए है
जिसमें बी ऑप्शन है हो जाएगा ए वाला, ठीक है। 150 में जाएगा दोस्तों सी यू एन ए एल, ठीक है। तो दोस्तों ये तो एकदम सही सटीक, दोस्तों सोचने की दरकार नहीं है, बहुत ही एकदम सही सटीक क्वेश्चन ये आंसर की है, ठीक है। मैं जीके की थोड़ी देर में लेकर आ रहा हूँ और उसके बाद में जीके और कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। दोस्तों यहाँ पर विशेष क्लासेस चला रहे हैं रीड के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।